उसमें क्या है, उपनिवेशों के में राष्ट्र के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद के विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी? पहले विश्व युद्ध में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया और भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय में परिघटना उपनिवेशवाद के विरोधी आंदोलन गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी, क्योंकि औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान जो आपस में एकता को वे पहचानने लगे थे। अब दूसरा कारण ये था उत्पीड़न और दमन, साझा भाव होने के कारण में सब एक दूसरे के उनको बांध दिया था। फिर वियतनाम, चीन, वर्मा और भारत और लैटिन तथा अफ्रीकी देशों ने राष्ट्रीय आंदोलन में उनके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक शोषण जो थे उसके कारण प्रारंभ हुई थी, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक राजनीतिक शोषण होने के कारण लोगों में विरोध की भावना उत्पन्न हुई थी और उत्पीड़न और दमन जो था प्राय प्राय सबके साथ एक साथ था, इसलिए वे सब एक दूसरे से बंध गए थे। चाहे उनकी भाषा कैसी हो, संस्कृति कैसी हो, उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन जो उत्पीड़न और दमन था वह सबके साथ एक सा हो रहा था। फिर इस कारण राष्ट्रवाद के उदय पर उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के कारण हुआ था और विरोध करने के लिए एकजुट हुए थे और औपनिवेशिक शासन के साथ उन्होंने विरोध किया था। फिर प्रथम विश्व युद्ध में 1 अगस्त 1974 में मित्र राष्ट्रों ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, अमेरिका, ये धुरी की स्थापना की गई थी, जिसमें ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, टर्की और इटली के मध्य प्रारंभ हुआ था। इस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन पर व्यापक प्रभाव भी पड़ा था। तो देखेंगे भारतीयों का विश्व से संपर्क, भारतीयों का विश्व से संपर्क कैसे हुआ। इस युद्ध में सैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए बड़ी संख्या में भारतीयों को सेना में भर्ती किया गया और युद्ध क्षेत्र में गए और वहां मिले अनुभवों के उन पर जो प्रभाव पड़ा उससे आत्मविश्वास उनका जागा और फिर उन्होंने यह जाना कि स्वतंत्र वातावरण, लोकतंत्रीय संगठन होने से ऐसी स्थिति भारत में विकसित या स्थापित करने के लिए तत्पर हो गए थे, क्योंकि उन्होंने वहां पर जाके जो अनुभव हुआ उससे वे अपने देश को भी आजाद कराने के लिए तत्पर हो गए थे। फिर देखेंगे आर्थिक प्रभाव, युद्ध के कारण ब्रिटेन में रक्षा का व्यय बढ़ गया था, उसमें अमेरिका के देशों ने कर्जे लिए थे और कर्जों को चुकाने के लिए भारतीयों में जो सीमा शुल्क और टैक्स को उन्होंने बढ़ा दिया था, इससे लोगों पर आर्थिक दबाव बढ़ा था। इसके कारण भी भारतीय जनता अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो है राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित हो गए थे। फिर देखेंगे सांप्रदायिक एकता, खलीफा के प्रश्न से यह सभी जो थे सभी मुसलमान अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए थे। जब गांधी जी ने अली बंधुओं के सहयोग के लिए खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था और इससे हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला था। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य जो है लखनऊ समझौता हो गया था, जिसके आधार पर सांप्रदायिक एकता को मजबूती मिली थी और इस आधार पर राष्ट्रवादी आंदोलन को जनाधार बढ़ा था। फिर देखेंगे प्राकृतिक संकट, प्राकृतिक संकट जिस समय भारत में सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं पड़ी हुई थी, सरकार का रवैया असहयोगपूर्ण था और जनता जो थी महामारी की शिकार हो रही थी, इस पर जो है सरकार इनसे निपटने के लिए कोई खास प्रयास नहीं कर रही थी, इसके विरोध में भी सरकार के विरुद्ध में एकजुट हो गए थे। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, 1915 में अंग्रेजी सरकार ने क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास किया था। इसमें यह था कि इनसे क्रांतिकारी आंदोलन को दबाने के बजाय तीव्र कर दिया और जनता में राष्ट्रवादी भावनाएं जो पनप गई थी और जिससे इसमें प्रकार प्रथम विश्व में भारत के राष्ट्र के विकास को महत्वपूर्ण योगदान दिया था। का विरोध, मतलब भारतीयों ने जो था रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया था। तो 1918 ईस्वी में अंग्रेजों ने सरकार ने रॉलेट एक्ट के अध्यक्ष में एक समिति की नियुक्त की थी, जिसका उद्देश्य ये था क्रांतिकारी आंदोलनों को रोकने के लिए। इस समिति के दो कानून बनाए गए थे, एक तो सरकार जो थी स्वतंत्रता आंदोलन को दमन करने के लिए और दूसरा प्रमुख कारण था कि सरकार राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए उनको 2 साल तक के लिए कैद कर सकती थी, जेल में वह 2 साल तक के लिए कैद कर सकती थी। इस तरह से इन्होंने, भारतीयों ने इसे काला कानून बताया था, इसलिए विरोध किया था क्योंकि उनपे बिना कानून मुकदमा चलाए उनको 2 साल की कैद दे सकते थे। फिर गांधी जी ने इसके विरोध में आंदोलन चलाने के लिए यह आह्वान किया कि इसका विरोध अंततः असहयोग आंदोलन के रूप में प्रकट हुआ था। फिर 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले में चोरा चोरी नामक जगह पर
जब बाजार में गुजर रहा था तो वहां पर एक जुलूस ने जो है पुलिस के साथ हिंसक टकराव चला, जिसमें कुछ पुलिस वाले थाने में बंद करके उनके आग लगा दी गई थी। जिसमें यह खबर सुनते ही गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो है वह उन्होंने स्थगित कर दिया था। इस तरह से वह इसलिए किया था क्योंकि वह हमेशा सत्य और अहिंसा को लेकर चल रहे थे और यही अहिंसा का यहाँ पर हिंसक हो गया था, इस वजह से आंदोलन को रोक दिया गया था। फिर देखेंगे सत्याग्रह के विचार के क्या मतलब है, सत्याग्रह आंदोलन जो था उसके विचार के क्या मतलब है। तो इसका मूल आधार था सत्य की शक्ति को आग्रह करना और सत्य की खोज करना, जिससे कि प्रबल समर्थक जो थे इसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं। अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, उत्पीड़न से मुकाबला करने के शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर फिर हम ये देखेंगे कि प्रतिशोध की जो भावना है, आक्रामकता का सहारा लिए बिना ही केवल अहिंसा के सहारे भी हम अपने संघर्ष को सफल कर सकते हैं। फिर देखेंगे कि इसमें दमनकारी जो शत्रु है, दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ने चाहिए या उत्पीड़न शत्रु नहीं। तो इसमें सभी लोगों ने जो हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने के लिए विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और उसमें सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना था। सत्य की ही जीत होती है, गांधी जी ने यह अटूट विश्वास था और अहिंसा धर्म को ही भारतीयों की एकता के सूत्र में बांधा जा सकता था यह मानते थे। और इस तरह से अभी भी कहा जाता है कि सत्य की ही जीत होती है, चाहे भले देर से हो लेकिन उसकी जीत अवश्य होगी। तो देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड और साइमन कमीशन। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली महोदय इस तरह से यहाँ पर लिखा गया था, आज 13 अप्रैल 1919 को शाम को जलियांवाला बाग में भयंकर हत्याकांड हुआ, जिसमें कि विश्व मानवता को शर्मिंदा कर दिया था। इससे एक ओर अपने वह सभ्य कहने वाले अंग्रेजी सरकार और दूसरी तरफ असभ्य अशिक्षित माने जाने वाले भारतीय थे। इस प्रकार से डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध अमृतसर में सार्वजनिक हड़ताल की गई थी, जहां पर जनसभा अभियान आयोजन हो रहा था। इस समय 13 अप्रैल को बैसाखी वाले दिन होने के कारण यहां मेले का आयोजन भी होता है, तो कई लोग इस मेले में शामिल होने गए थे और बाग में एक शांतिपूर्ण जनसभा भी चल रही थी, जहां पर अचानक जनरल डायर ने क्या किया, वहां पर डिवीजन कमांडर को जो थे मैन जो था उन्हें एक टुकड़ी के साथ वहां पर भेजा और मुख्य द्वारों को बंद कर दिया। उससे जो जितने बिना चेतावनी दिए निहत्तों पर गोली चलाने का आदेश दिया और जब तक उन्होंने गोली चलाई जब तक कि वहां 10 मिनट तक गोली चलती रही, जब तक उन्होंने गोली चलाई जब तक कि बचाव के कई मार्ग नहीं मिला और कई लोग इतने फंस गए और आसपास के वहां पर करीब करीब 20,000 लोग इकट्ठे थे, जिसमें 1,000 लोग मारे गए थे। सरकारी आंकड़े के अनुसार जो था 389 बता रहा था, लेकिन 1,000 के करीब लोग मारे गए थे। इस जानकारी से लोगों को प्राप्त हुई, उससे सरकार के विरुद्ध आक्रोश उत्पन्न हो पड़ा, गुस्सा भड़क उठा और जिससे अमृतसर पंजाब में अनेक भागों में यह माहौल बन गया कि सरकार की स्थिति को काबू पाने में सारे पंजाब में मार्शल लॉ लगाना पड़ा था। और अतः इससे समाचार को अपने अखबार के मुख्य पृष्ठ पर छापे और संपूर्ण विश्व भारतवर्ष इसकी जानकारी मिली, जिसे जनरल डायर ने ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहकर सम्मानित कर रही थी, जिसे अमानवीय कृत्य को दंडित किया जाना चाहिए था। अब देखेंगे साइमन कमीशन। ये साइमन कमीशन क्या था, इसमें 3 फरवरी 1928 को इंग्लैंड की सरकार ने सर जॉन साइमन को अध्यक्षता में 7 सदस्यों के एक कमीशन साइमन कमीशन भेजा था, जिसमें मुख्य उद्देश्यों में भारत को संवैधानिक व्यवस्था में कार्यशैली अध्ययन करना था, उसके बारे में सुझाव उन्होंने दिया था। फिर एक भी भारतीय सदस्य नहीं है, इसमें घोर विरोध होने लगा था और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे थे। फिर साइमन विरोधी का नेतृत्व भी लाला लाजपत राय कर रहे थे। इस कमीशन के भारतीय सदस्य जो इसी रिपोर्ट में अपूर्ण अव्यवहारिक था, तो इसने स्वतंत्र स्वराज्य का उल्लेख नहीं किया गया था और अधिराज्य की स्थिति को स्पष्ट किया गया था, जिसमें उत्तरदायी सरकार की स्थापना को उल्लेख नहीं किया था। कमीशन में वयस्क मताधिकार की मांग की गई थी, जिसमें अव्यवहारिक बताकर उसको ठुकरा दिया गया था और इसी कारण चारों ओर जो है वह विरोध हो रहा था और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया और भारत के प्रति गलत उद्देश्यों को उजागर करता है।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपसे निवेदन करते हैं, इस रिपोर्ट पर आप अखबार के मुख्य पृष्ठ पर छापकर भारतीयों की भावनाओं को आघात करने वाली अंग्रेजी सरकार की आलोचना करें। जय हिंद भारतीय गौतम, इस तरह से वहां पर लिखा गया। फिर 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सामाजिक समूहों की हम सूची बनाएंगे। इस तरह से बनाएंगे, कौन कौन शामिल हुए थे इसमें, विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया था, हर एक ने अपनी अपनी आकांक्षाएं थी, आंदोलन सामाजिक समूह में उनको सम्मिलित किया गया था, जिसमें शिक्षित भी थे, मध्यम वर्ग के लोग भी थे, भारतीय थे, दस्तकार थे, मजदूर थे, भारतीय किसान थे, पूंजीपति वर्ग थे और जमींदार वर्ग तथा व्यापारिक वर्ग के लोग भी इसमें असहयोग आंदोलन में शामिल लिया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे शिक्षित वर्ग। शिक्षित वर्ग के अंतर्गत जो शहरी क्षेत्र में जो शिक्षित मध्यम वर्ग के असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, उसके बारे में हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए थे, शिक्षकों ने इस्तीफे दे दिए थे, वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए थे और शिक्षित वर्ग जो था इस आंदोलन में शामिल हुआ था। इसको देखते भारतीय लोगों को वेतन भी अंग्रेजों के मुकाबले उन्हें कम मिलता था और इस वजह से उनमें भी यह क्लर्क ही पैदा होते थे, जिस तरह से हमने तुम लोगों को समझाया था कि अंग्रेज सिर्फ उन्हें उतना ही शिक्षित करना चाहता था जितना ही उनका क्लरिकल कार्य, लिखा पढ़ी का कार्य हो सके। अब दूसरा वर्ग था व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग में बहुत से स्थानों पर व्यापारियों में विदेशी चीजों का भी व्यापार करने और विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया था और अंग्रेजी सरकार को गलत नीतियों के कारण व्यापारी वर्ग जो है पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। इस कारण भी, और ब्रिटेन जो था वह कच्चा माल हमारे यहाँ से लेकर जाता था और पक्का वहाँ से माल तैयार करके यहाँ पर हमारी ही वस्तु हमें ही वापस बेचता था। इस तरह से भारतीय जो व्यापारी थे उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, उनका मशीन से निर्मित माल आता था और वह सस्ता होता था, इसलिए उनको फायदा होता था, किसको, अंग्रेजों को। फिर देखेंगे सामान्य जनता। सामान्य जनता भी असहयोग आंदोलन में शामिल हुई और यह आंदोलन जो है एक जन सामान्य बन गया था, क्योंकि इसमें जो कपड़े विदेशी कपड़े थे, विदेशी चीज़ें थी, उनका इन्होंने बहिष्कार किया शराब की दुकानों में, पैकेटिंग में, और फिर विदेशी कपड़ों की इन्होंने होली जलाकर आम जनता ने अंग्रेजों के अत्याचार को दुखी होकर इस तरह से उन्होंने अपना बढ़ चढ़कर असहयोग आंदोलन में भाग लिया। फिर यहाँ पर देखेंगे बगान मजदूर। गांधी जी के विचार और स्वराज की अवधारणा जो थी, जो बगान जो मजदूर थे बगानों में काम करते थे, चार दीवारियों में काम करते थे, बाहर निकलकर राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित हो गए और अधिकारियों के असहयोग करने लगे और उनका अवहेलना करने लगे। इससे बगानों का काम छोड़कर घरों को लौट आए और वे अपने लिए गांधी राज आते ही उनकी जमीन मिल जाएगी यह सोचने लगे थे। फिर देखेंगे नमक यात्रा का चर्चा करते हुए स्पष्ट कीजिए कि उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार था। इसमें देखेंगे 31 जनवरी 1900 के गांधी जी ने इरविन को एक पत्र लिखा था जिसमें 11 मांगों का उल्लेख किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि इसमें नमक का कर जो है उसका ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनकारी पहलू यह बताया कि 11 मार्च तक यदि मांगे पूरी नहीं हुई, कब तक, एक समय उन्होंने निश्चित दिया कि अगर यहाँ तक पूरी नहीं हुई तो वह अपने स्वयंसेवकों के साथ 56 स्वयंसेवकों के साथ यात्रा शुरू की और यात्रा सामरवती से दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे पर यह खत्म हुई थी। फिर इसका असरदारक जो था प्रतीक था वह क्या था, इसमें हम देखें इस बार लोगों ने ना केवल अंग्रेजों को सहयोग ना करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया गया। साबरमती यात्रा जो है 240 किलोमीटर दांडी यात्रा में जाकर और अपनी गांधी जी ने अपनी 23 दिनों तक हर रोज वहां पर 10 मील का सफर किया, 10 मील का सफर उन्होंने सफर किया और वहां पर रुकने के लिए हजारों लोग उन्हें सुनने आते थे, सभाएं होती थी, स्वराज का अर्थ भी समझाते थे और उन्हें अपने जो साधारण भाषा जो होती थी उसमें ही उनको समझाते थे। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कल्पना कीजिए कि सिविल नाफरमानी आंदोलन में हिस्सा लेने वाली जो महिलाएं हैं वह उनके जीवन में क्या अर्थ होता था। सिविल नाफरमानी घरों से भी बाहर आती थी औरतें जो थी और जुलूसों में हिस्सा लेती थी और विदेशी कपड़े शराब की दुकानों पैकेट अन्य महिलाओं को भी इनके साथ जेल जाना पड़ता था और इस तरह से यह अनुभव किया कि शहरी क्षेत्रों में भी महिलाओं ने भाग लिया परंतु इसमें उच्च जातियों की महिलाएं अधिक थी जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के कम शामिल हुए थे।
फिर इस दौरान भी हम देखेंगे कि राष्ट्र सेवा में अपना प्रथम कर्तव्य मानने लगी महिलाएं जो थी वह भी राष्ट्र सेवा में अपना प्रथम कर्तव्य मानने लगी थी। फिर देखेंगे राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचित तो सवाल पर क्यों बटे हुए थे। यहाँ पर चुनाव प्रणाली अभिप्राय ऐसे चुनाव क्षेत्रों में जिनका निर्माण धर्म के आधार पर किया जाए, अर्थात एक व्यक्ति केवल अपने धर्म के व्यक्ति को ही वोट देगा। इस तरह से अंग्रेजों ने फूट डालने की पृथक निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण किया था, जैसे अंग्रेजों ने किया था फूट डालो राजकर्म नीति अपना करके, उस तरह से इस पृथक को ये कम करना चाहते थे और भारतीय आपस में बट गए। कांग्रेस पृथक निर्वाचन पद्धति के विरोध कर रही थी क्योंकि इसमें केवल हिंदू और मुसलमानों के लिए निर्वाचन क्षेत्र बात कही थी, परंतु बाद में यह अल्पसा भाईजनों के और हिंदुओं से अलग करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र बांटने की बात कही जाने लगी थी। इसका कांग्रेस ने खुलकर विरोध किया था। फिर दलितों का उद्धार होना चाहिए था, जिसमें सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती थी। मुस्लिम समुदाय भी पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के पक्ष में था, और जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि मुसलमानों को केंद्रीय आरक्षित सीट जो है वह दी जाए और बहुल प्रांतीय क्षेत्रों में उनको क्या किया जाए निर्वाचित मांगे करने लगे थे। इस प्रकार इन बातों से पता चलता है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को लेकर भारतीयों में फूट पड़ गई थी और कांग्रेस पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के खिलाफ, जबकि दलित वर्ग मुस्लिम वर्ग इसके पक्ष में थे। और अम्बेडकर नेता ये चाहते थे कि इस पद्धति को लागू किया जाए, दलित और मुसलमानों में राजनीति से जो है विशिष्ट स्थान प्राप्त हो, और उसके साथ साथ वे गांधी जी के इसके विरुद्ध थे, लेकिन बाद में वे उसके पक्ष में शामिल हो गए। तो इस तरह से हम देखेंगे, ये हमारे जो है प्रश्न उत्तर है, ये आप लोगों को कॉपी में नोट करना है।